अपने सांसदों को विधायक बनाकर क्या संदेश देना चाहते हैं पीएम मोदी? कौन है वो दो सांसद जिनका नहीं लिया इस्तीफा? क्या राजस्थान सीएम के नाम पर लग गई है मुहर? बस वसुंधरा गुट के नेताओं को मनाना है बाकी, मोदी ने दिए बड़े संकेत। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम की तैयारी का दांव पड़ेगा भारी, रमन सिंह के समर्थकों को समझाने में आएगी कई बड़ी मुश्किलें। ये तस्वीर देखिए, बीजेपी के 10 बड़े सांसद अपने पद से इस्तीफा देने के बाद पीएम मोदी के साथ तस्वीर क्लिक करवा रहे हैं। इनमें 10 सांसद हैं, नड्डा के अलावा पीएम मोदी भी हैं, लेकिन वो दो चेहरे नहीं हैं जिनकी चर्चा बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खूब हुई है। इनमें पहला नाम है मोदी की केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का और दूसरा नाम है बाबा बालकनाथ का। तो सवाल है कि उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? क्या सीएम पद की कुर्सी कंफर्म होने के बाद ही उन्हें इस्तीफे के लिए कहा जाएगा या फिर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाएगा? मोदी मंत्रिमंडल में जगह खाली है और बाबा बालकनाथ की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, तो क्या बालकनाथ को सीएम बनाने पर सहमति नहीं बनी तो सीधा पीएम मोदी उसे मंत्रिमंडल में जगह देंगे? क्योंकि बाबा बालकनाथ के नाम की चर्चा होते ही बुधवार देर रात वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली पहुंच गईं। बाबा बालकनाथ को सीएम बनाने के लिए सिंधिया के समर्थकों का समर्थन जरूरी है। करीब 38 विधायक सिंधिया के गुट के हैं जिन्हें वसुंधरा के रिजॉर्ट में रखे जाने की खबर है। ये भी चर्चा है कि रेणुका सिंह के रूप में छत्तीसगढ़ के आदिवासी सीएम बनाने के लिए रमन सिंह के समर्थकों को अभी समझाने का दौर चल रहा है, इसलिए रेणुका सिंह से इस्तीफा नहीं लिया गया है। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि जिन्होंने भी इस्तीफा दिया है इनमें से किसी भी सांसद के मन में पद जाने का दुख नहीं है, जबकि सांसद से विधायक बनने से इनकी सैलरी और कद सब चीजें घटी हैं। एक तरह से इसे डिमोशन समझा जा रहा है। बावजूद इसके मोदी के फैसले पर इन्हें इतना भरोसा है कि किसी ने सवाल नहीं उठाए। ऐसे में यहां समझने वाली बात यह है कि कद्दावर नेताओं को साइडलाइन कर आखिर मोदी शाह की जोड़ी संदेश क्या देना चाहती है। तो पहले ये समझते हैं फिर बताते हैं पीएम मोदी ने तीनों राज्यों के सीएम को लेकर चुनावी नतीजों के 96 घंटे बाद क्या संदेश दिया है, जिससे कयास लग रहे हैं कि वसुंधरा का पत्ता राजस्थान से कट चुका है और राजस्थान को दूसरा योगी मिलने वाला है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि पीएम मोदी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। मोदी की गुजरात स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ये कहती है कि किसी भी नेता का कद यहाँ ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाता। जिन सांसदों ने इस्तीफा दिया है उसमें कैलाश विजयवर्गीय, राज्यवर्धन सिंह राठौर, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। तो सवाल है कि क्या इनका कद घटाया गया है? मोदी शाह की पकड़ पार्टी और राज्यों दोनों पर मजबूत रहे, इसके लिए तीनों प्रदेश में नए चेहरे लाने पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने संसदीय बोर्ड की बैठक में किसी भी योजना या किसी नेता का नाम नहीं लिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये टीम वर्क का नतीजा है। जिन 10 सांसदों ने इस्तीफा दिया है उनकी लोकसभा सीट खाली हुई है और 6 महीने के भीतर चुनाव जरूरी होते हैं, तो ऐसे में अगर इन पर चुनाव हुए तो बीजेपी 10 नए चेहरे चुनाव में उतार सकती है, जिसका फायदा उन्हें 2024 चुनाव में मिलेगा और आने वाले दिनों में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि बीजेपी को सीएम फेस तलाशने में इतना वक्त लग जाए। शायद तीनों प्रदेशों में नए चेहरे की बात हो रही है इसलिए इतना वक्त बीजेपी ने लिया है। चूंकि मोदी शाह और नड्डा के फैसलों का अनुमान बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज भी नहीं लगा पाते, इसलिए ये कहना बेहद मुश्किल है कि आगे क्या होने वाला है। पर इतना जरूर है कि सीएम जो भी बनेगा वो मोदी शाह की पसंद का होगा और उस पर काम का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि 2024 चुनाव में उसकी असली अग्नि परीक्षा होगी। सियासी समीकरण को देखते हुए बीजेपी इन तीनों राज्यों की 100% सीटें जीतना चाहेगी, इसके लिए काफी सोच विचार के बाद फैसला लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।